अब आप भी परेशान मत होइएगा, केवल 2 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं अपना कूलर हमारी ये वीडियो देख करके। तो पूरी वीडियो देखना ध्यान से। मेरे प्यारे कस्टमर भाइयों, अगर आपके घर के अंदर इतने गर्मी में कोई मिस्त्री आएगा तो आपसे भाई सर्विस चार्ज तो ज़रूर लेगा, चाहे वो एक तार जोड़ करके जाए, चाहे आप उससे मतलब कोई कूलर ठीक करवाएं, कोई पंखा ठीक करवाएं, कुछ भी करवाएं या ना करवाएं, लेकिन अगर आपके घर पे आएगा तो कम से कम अपना सर्विस चार्ज यानी कि 100 रुपये या उसका जो फिक्स किया हुआ 150-200 जो भी चार्ज है वो ज़रूर लेके जाएगा, उसका हक बनता है। देखो यार कितनी गर्मी पड़ रही है, कितना मतलब लोगों को खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बेचारा धूप में चल गया आपके घर पे आता है। आप कहेंगे कि आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, इसका कारण यही है कि मैं आज एक ऐसे कस्टमर के घर पे गया था जहाँ पर मतलब ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं था, उसके घर पे मैं कूलर ठीक करने गया था, 3 दिन से बंदा परेशान है। हालांकि ये गलती उसी की थी कि उसने मतलब कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी वजह से कि उसका कूलर पहले चल रहा था और उसने कुछ उसमें कारीगरी करी है और उसके बाद में वो कूलर चलना बंद हो गया। तो उसने मुझे बुलाया, 3 दिन से फ़ोन कर रहा था पर मेरे को थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से मैं उसके यहाँ नहीं गया, लेकिन आज गया। तो वहाँ जा कर के मैंने क्या देखा है, और मैं आप लोगों से उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा मतलब अपने जो रिलेटिव हैं उनको ज़रूर शेयर की दीजिएगा। मैं नहीं कहता कि आप पूरे दुनिया में फैला दो, आपके जो रिलेटिव हैं जिन जिन के लिए आप चाहते हैं कि वो इस तरह से परेशान ना हो तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, नीचे मुझे इस तरफ में शेयर का बटन है ताकि वो इस परेशानी से बच जाएं, उनको मतलब इस प्रकार की अगर दिक्कत आए तो वो अपना सोल्यूशन कर सकें। मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि भाई हमारे घर के अंदर जो कूलर है इसका हमने मतलब पहले 3 पिन प्लग लगा हुआ था, इसके बाद हमने इसको निकाल करके यानी कि टूट गया था किसी कारण से, इसमें हमने 2 पिन प्लग लगा दिया। जब 3 पिन प्लग लगा हुआ था उस समय तो कूलर चल रहा था लेकिन हल्का सा झटका लगा और वो निकल गया और टूट गया। उसके बाद हमने इसके अंदर 3 पिन प्लग लाकर लगा दिया लेकिन अभी ये चल नहीं रहा है, इसके अंदर ना जाने क्या दिक्कत आ गई है, ज़रा आकर के देख लीजिए। तो भाई मैं गया वहाँ देखा तो क्या देखते हैं कि उस कूलर के अंदर दोस्तों 3 कोर की वायर लगी हुई थी और उस बंदे ने उसके अंदर 2 पिन प्लग लगाया हुआ था। अब आप कहेंगे कि आखिर 2 पिन प्लग लगाने से क्या कूलर नहीं चलेगा, तो मैं कहता हूँ दोस्तों चलेगा कूलर, अगर उस कूलर पंखे का मतलब सब कुछ ठीक है, वायर ठीक है, मोटर ठीक है, यानी कि वायरिंग वगैरह सब कुछ ठीक है उसकी, तो आप 2 पिन प्लग लगाइए, चाहे 3 पिन प्लग लगाइए, चाहे इन दोनों में से कुछ भी मत लगाइए, फिर भी आपका कूलर पंखा और जो भी कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन दोस्तों 3 पिन प्लग 2 पिन प्लग हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें उसको इस्तेमाल करने में सुविधा हो, सेफ्टी हो, क्योंकि वायर लगाने में स्पार्किंग होती है, हमारे बोर्ड वगैरह भी जल सकते हैं, और जब हम प्लग वगैरह लगा लेते हैं, प्लग उसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सेफ होता है और ज़्यादा हमारे जो बोर्ड वगैरह हैं और हमारे जो वायर है वो सब जलने के और हमें एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए आप लोग ज़रूर अपने जो आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर 3 पिन प्लग या 2 पिन प्लग ज़रूर लगाया करो। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने जाके देखा एक बंदे ने 3 पिन प्लग हटा करके उसमें 2 पिन प्लग लगा दिया है और कूलर उनके मतलब सब कुछ उसमें ठीक है, कुछ भी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनका कूलर चल नहीं रहा है, 3 दिन से बंदे परेशान हैं। ये देख रहे हैं कितनी 42-43 डिग्री हमारे दिल्ली के अंदर इस समय तापमान है। तो हमने वहाँ पे जाकर के देखा कि उन्होंने जो उसके अंदर 2 पिन प्लग के अंदर जो वायर लगा रखा था, जो कनेक्शन कर रखा था वो ही गलत था, ठीक है। 3 पिन प्लग के अंदर किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, 2 पिन के अंदर किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, अगर 3 कोर की वायर है तो हमें कैसे 2 पिन के अंदर कनेक्शन करना चाहिए हैं, और 2 कोर की वायर है तो हमें 2 पिन के अंदर कैसे कनेक्शन करना चाहिए और 3 पिन के अंदर कैसे कनेक्शन करना चाहिए, आज जल्दी से समझ लीजिए इस वीडियो में ताकि आपको आगे कभी भविष्य में दिक्कत ना हो, इस प्रकार से आप लोग परेशान ना हो। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों को पता होता है ये सब बातें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत लोगों को, हमारे भारत में 150 करोड़ लोग हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता है उनको शेयर कर देना। तो चलो आपको बताते हैं, देखिए उन्होंने यही गलती किया था कि उनके पास में जो कूलर की वायर थी उसमें इस तरह की उसमें 3 कोर की वायर लगी हुई थी, देखिए जिसके अंदर एक रेड वायर थी, एक ब्लैक वायर थी और एक ग्रीन वायर लगी हुई थी। तो दोस्तों आपके कूलर के अंदर भी या किसी पंखे के अंदर या किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर इस प्रकार की वायर लगी हुई है और उसके अंदर आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी तार कहाँ लगाई जाएगी, तो अब मैं आपको बता देता हूँ
कि देखिए हमारी रेड वायर होती है और जो हमारी ब्लैक वायर होती है और जो हमारी ग्रीन वायर होती है। आप अगर थ्री पिन प्लग लगाते हैं तो उसके जो पोल होती है जहाँ पे मतलब आपको कनेक्ट करना होता है वायर को, उसके पास में और ऊपर में भी, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, ये जो प्लग आप देख रहे हैं इसके एक साइड में आपको L नजर आएगा और एक साइड में आपको N नजर आएगा लिखा हुआ। तो आपको इस तरफ में लाइन का वायर यानी कि रेड वायर लगाना होता है और जिधर N लिखा हुआ उस तरफ आपको ये ब्लैक वायर लगाना होता है। और जो आपके E लिखा होता है जहाँ पर, या E नहीं लिखा है या थ्री पिन का प्लग है और मोटे वाला हिस्सा है जो सबसे ऊपर रहता है, वहाँ पर आपको ये ग्रीन वायर यानी कि ये अर्थिंग की वायर होती है, इसको आपको वहाँ पर कनेक्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों अब आप कहेंगे कि क्या हम अगर हम ये ग्रीन वायर को नहीं लगाएंगे तो क्या आपका पंखा नहीं चलेगा? तो दोस्तों निश्चित है कि आपका पंखा या आपकी मोटर या कूलर या आपकी जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल के, वो जरूर चलेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आपके घर के अंदर अर्थिंग हो रखी है, ठीक है, तो आपको ये थ्री कोर की वायर के अंदर जो आपकी ग्रीन वायर होती है इसको ग्राउंड करके जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर, और फिर आपके थ्री पिन प्लग ही लगाना चाहिए अपने घर में। इससे क्या है कि सेफ्टी काफ़ी हद तक मतलब बढ़ जाती है। आपको कभी भविष्य में अगर आपके मोटर के अंदर, पंखे के अंदर करंट आ रहा होगा तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि थ्री कोर की वायर है आपके घर के अंदर अर्थिंग लगी हुई है और ये वायर आप कनेक्ट कर देंगे नीचे वाले हिस्से पे हैं और ये वाली वायर को आप छोड़ देंगे थ्री पिन प्लग होते हुए भी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में गंगा बह रही है और आप प्यासे मर गए। तो दोस्तों ऐसा आप गलती मत कीजिएगा। अगर थ्री पिन का प्लग है घर के अंदर अर्थिंग लगी हुई है और नहीं भी लगी हुई है तो भी अगर आप इस तार को लगा देंगे ग्रीन वाले वायर को ऊपर वाले में कनेक्ट करने, आपका तार जो है कि मजबूत हो जाएगा, कभी खींचेगा नहीं, कभी निकलेगा नहीं। अब दोस्तों अगर इसी को आपको टू पिन के अंदर लगाना है तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको क्या करना है कि ये ग्रीन वाली वायर को आपको कट कर देना है, बंद कर देना है, यार इसको लगाना ही नहीं है। उसके अंदर टू पिन का प्लग है तो उसके अंदर आप केवल इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दीजिए। उस कस्टमर ने दोस्तों यही गलती की थी कि उन्होंने ब्लैक वाली वायर को कट कर दिया और ग्रीन वायर को और रेड वायर को टू पिन के अंदर इंस्टॉल कर दिया, जिसकी वजह से उनका कूलर 3 दिन से बंद था, चल नहीं रहा था और उन्हें लग रहा था कि लगता है हमारी मोटर फूक गई या हमने कुछ गलत तार लगा दिया, हमारी मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। टू पिन के अंदर अगर आप कनेक्शन करते हैं थ्री कोर वायर का तो आपको ग्रीन वाली वायर को आपको कट कर देना है, बंद कर देना है और आपको रेड और व्हाइट या जो भी कलर की तार आपको मिलती है उसको आपको कनेक्ट कर लेना है अपने दोनों पॉइंटों के ऊपर में। लेकिन दोस्तों अगर आपके टू कोर की वायर लगी है किसी कूलर पंखे के अंदर तो ग्रीन वायर है उसके अंदर है, यानी कि रेड है और ग्रीन है या व्हाइट है या ग्रीन है, तो आपको दोनों तारों को आपको टू पिन के प्लग के ऊपर लगाना होगा। अगर आप थ्री पिन प्लग के अंदर कनेक्शन कर रहे हैं और टू कोर की वायर है और उसके अंदर रेड और ग्रीन लगा हुआ है या व्हाइट या ग्रीन है या ग्रीन या मतलब कोई भी कलर का तार है और ग्रीन है साथ में, तो आपको नीचे वाले पॉइंट पे यानी कि एल और एन पे लगाना ही होगा, तभी आपका मोटर पंखा चलेगा। लेकिन अगर टू कोर की वायर नहीं बल्कि थ्री कोर की वायर है तो उसके अंदर आपको लाइन के ऊपर रेड वायर, न्यूट्रल के ऊपर ब्लैक वायर और अर्थ के ऊपर आपको ग्रीन वायर को कनेक्शन करना होगा, तब जाकर के आपके इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट चलते रहेंगे। तो दोस्तों टू कोर की वायर का और थ्री कोर की वायर का इसी प्रकार से टू पिन और थ्री पिन के अंदर कनेक्शन किया जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत होया करो। इस प्रकार से अपने घर के अंदर कभी आपका वायर अगर खिंच जाए, कट जाए, टूट जाए, है आपको लगता है कि ऊपर से प्लग जल गया है, टूट गया, हिलाने में जलता है, फिर बंद हो जाता है, तो आप इस प्रकार से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है? और अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उनको मदद मिले, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझसे। अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ और जानकारी देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आने वाली आगे की और वीडियो में। चलिए नमस्कार, जय सियाराम।